साइकोलॉजी थोड़ा पुराना विषय है लेकिन साइकैट्री मनोचिकित्सा का मानसिक रोगियों के इलाज का निदान और इलाज का जो विषय है साइंटिफिक सब्जेक्ट वो शायद सौ साल पुराना है राइट सो सिंस द साइंस इज न्यू ऑब्वियसली डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ साल पहले सामाजिक रूप से पूरे विश्व भर में गलत फहमियां और भ्रांतियां फैली हुई थी जी. तो समाज जैसा सोचता था जिसको समाज कहता था एक बहुत अनिच्छनीय शब्द है लेकिन हम हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए बात करें पागलपन पागलपन का जो शब्द प्रयोग है उसके पीछे जो सोच थी वो एटीन या सेवनटीन सेंचुरी के लिए गलत नहीं थी उस वक्त समाज ये सोचता था कि जो मानसिक रोगी है उनकी सोच में जो पागल कहते थे उन उनसे समाज को बचाना है हुँ. उन व्यक्तियों के हकों की उनकी देखभाल की उनके इलाज की सोच नहीं थी सोच सिर्फ ये थी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा अस्थिर है उन पागलों को पागल खाने में डाल दिया जाए बार बार कहूंगा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पागल पागलपन पागल खाना ये शब्द हर तरीके से गलत है इस्तेमाल करना हम ऐतिहासिक रूप से हमारे दर्शकों को सिर्फ बताना चाहें कि ये संदर्भ था दो सौ साल पहले तो होता यह था कि हर बड़े शहर में या हर प्रांत में एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया जाता था संस्कृति से दूर जहां समाज है उसे बहुत दूर और सारे मानसिक रोगियों को वहां डाल दिया एंट्री होती थी एग्जिट नहीं होती थी वॉज इन गेट नो आउट गेट अनफॉर्चुनेटली जो एक बार गया वो आजीवन वही रहेगा 99 परसेंट चांस वही मरेगा शायद उसको अंतिम संस्कार का भी डिग्निटी नहीं मिलेगा परिवार की तरफ Hmm. समाज डरता था गंभीर रूप से जो मानसिक रोगी होते थे उनसे राइट स्किसोफेनिया डिसऑर्डर ऐसे अच्छा जो जो और आम मानसिक बीमारियां हैं डिप्रेशन तनाव ओसीडी इनकी पहचान बीमारी के रूप में नहीं थी इनको सिर्फ विकृति समझा जाता था, था तो डिप्रेशन एंगजाइटी जैसे जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है न्यूरोसिस जिसको कहते थे उनको पहचाना नहीं गया समाज ने परिवार ने जैसे ठीक समझा उसकी मदद की और जो गंभीर रूप से मानसिक बीमार थे जिनको अपनी शुद्ध नहीं होती थी उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था विश्व भर में और हमारे देश में उन्नीसवीं सदी के अंत में और बीसवीं सदी की शुरुआत में रिफॉर्म शुरू हुआ जब धीरे धीरे इलाज संभव हुआ hmm. वैज्ञानिक रूप से जब इलाज पॉसिबल हुआ व्हेन ट्रीटमेंट बिकेम पॉसिबल देन इट वाज रियलाइज दैट

तो वो जो वहां से मानव अधिकारों का जो एक ढांचा है उभर के आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तब पहचाना जाने लगा कि मानसिक रोगियों के भी अधिकार हैं उनको आप एक इंसान की तरह व्यक्ति की तरह डील करेंगे तो वो जो रिफॉर्म है आशा जी वो पिछले साठ सत्तर साल से हमारे देश में शुरू हो गया है आ, ये भी ये भी स्वीकार करने की बात है कि जो मेंटल हेल्थ रिफॉर्म है हॉस्पिटल्स का या समाज में वो काफी धीमी गति का है Uh, समाज को चाहिए था हम सबको चाहिए था शायद हमारी भी फेलियर है प्रोफेशन की uh, कुछ हद तक आंशिक रूप तक कि हम उस रिफॉर्म को स्पीड अप नहीं कर पाए जैसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं वो उसी प्रकार मेंटल हेल्थ रिफॉर्म जरूरी था हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है वहां एक बार फिर उस मुद्दे पर आए जहां से हमने बात शुरू की दो का वर्ष मानव जाति के लिए बहुत दुखद रहा हम सब ने बहुत सारी चिंताओं में समय गुजारा में से कुछ व्यक्ति हमारे दोस्तों को हमारे परिवार के सदस्यों को खो चुके वो पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे देखें, तो मानव जाति को और हमारे जैसे समाज को भारतीय समाज को एक फायदा हो सकता है कि ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा खुलापन आया है फोर, पे की बात वो अब कहीं फिर पीछे ना चला जाए जो दरवाजे बंद थे जो किवाड़ बंद थे मानसिक स्वास्थ्य की मानसिक रोगियों की बातें सिर्फ गोपनीयता में पर्दों के पीछे होती थी वो पर्दे से बाहर निकल आया अब इसको हम यहाँ रहने दें और जो मेंटल रिफॉर्म है उसको और त्वरित गति से आगे कर सके हेल्थ फिटनेस और पोषण और हमारी यूट्यूब पेज माई हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें